हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक हम लेकर आए हैं वेक्टर से, राइट। जो वेक्टर है आप देख रहे हो, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस बाय वेक्टर। वेक्टर के द्वारा ही वायरस का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि वायरस ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी अपने से ट्रांसमिशन नहीं होता, बल्कि उसको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वेक्टर ही ट्रांसमिशन करते हैं। अब चाहे वो सॉइल, वाटर, अदर चीज रहे, लेकिन इंसेक्ट को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर पे देखिए, हमने डिफिनेशन लिखा है, वेक्टर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट ए पैथोजन टू ए प्लांट। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म, वेक्टर वह ऑर्गेनिज्म होता है, वह ऑर्गेनिज्म है जो कैरी लगातार उसको ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। पौधों के ऊपर जो पैथोजन होते हैं वो वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने काम करता है, उसी को क्या कहते हैं, हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में भी इंसेक्ट, निमेटोड्स एंड फंजाई। वेक्टर में इंसेक्ट हो सकते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, राइट। तो आज हम सिर्फ वेक्टर जो इंसेक्ट पे चर्चा करेंगे और निमेटोड्स और फंजाई की दूसरे टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सिर्फ ओनली आज जो हम टॉपिक में चर्चा करेंगे ओनली इंसेक्ट की, जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसी के द्वारा हम डिस्कस करेंगे, राइट। पहले फर्स्ट टाइम देखते हैं कि बंची टॉप ऑफ बनाना वायरस। देखिए, केले में बीमारी लगती है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, वायरस का इन्फेक्शन होता है, डिस्कलर्ड हो जाएगा, क्लोरोसिस हो सकता है, पत्तियां सिकुड़ सकती हैं, क्रिंकल बन सकती हैं, और यही सब वायरस के सिम्टम होते हैं। और जो सिम्टम बनते हैं वो वायरल के द्वारा क्लियर समझ में आ जाते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन है, पत्तियां क्रिंकल हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, डिस्कलर्ड हो जाएगा, बैंडिंग हो जाएगी, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। जो फर्स्ट डिजीज आपकी है बंची टॉप ऑफ बनाना, जो बनाना में बंची टॉप डिजीज लगती है, वो बनाना एफिड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। जो एफिड है एक प्रकार का इंसेक्ट, एफिड वो ट्रांसमिट करता है। उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है, साइंटिफिक नेम उसका है, उसको पेंटलोनिया नेग्रोवर्सा कहते हैं, राइट। पेंटलोनिया नेग्रोवर्सा बनाना एफिड किसको ट्रांसमिट करता है, बंची टॉप ऑफ बनाना को, राइट। अब नंबर टू पे देखिए, ग्राउंड नट रोस्टेड डिजीज। जो ग्राउंड नट रोस्टेड डिजीज है, ग्राउंड नट पे वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होता है और इसको ट्रांसमिशन एफिड करता है। कौन करता है, एफिड। एफिड का बॉटनिकल नेम है एफिस क्रेसिबोरा, एफिस क्रेसिबोरा इसका बॉटनिकल नेम है। फिलहाल अगर बॉटनिकल नेम हमें नहीं याद आ पा रहा है तो भी हम इसी इंसेक्ट का नाम ले याद रखें जरूर, कि ग्राउंड नट रोस्टेड एफिड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, राइट। नंबर थर्ड है राइस ड्वार्फ। जो पौधों में, धान के पौधों में पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, प्लांट छोटा रहता है, बौना पौधा रहता है, वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होता है, उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है ग्रीन लीफ हॉपर। धान में ही सफेद हरे रंग के फुदका पाए जाते हैं तो ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है नेपोटेक्सिस और सिनेटेप्सिस, साइनेटेप्सिस, राइट। तो राइस ड्वार्फ को कौन सा इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है, ग्रीन लीफ हॉपर, राइट। टोमेटो लीफ कर टोमेटो लीफ कर आप देखे होंगे, पत्तियां कहती है लीफ कर सिकुड़ जाना, लीफ कर का जहां भी इन्फेक्शन होता है पत्तियां क्रिंकल बन जाती हैं, और उसको ट्रांसमिशन जो करता है व्हाइट फ्लाई करता है, सफेद मक्खी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टाइप सी, तो जो बॉटनिकल नेम है उसको कहते हैं बेमेसिया टाइप सी, कौन सा है, व्हाइट फ्लाई, राइट। नेक्स्ट है बेन बैंडिंग, या बेन बैंडिंग को एक नाम से और जानते हैं एलो बेन मोजैक, एलो बेन मोजैक, या मोजैक ऑफ भिंडी के नाम से भी जानते हैं, मोजैक ऑफ भिंडी, जो मोजैक ऑफ भिंडी होता है उसको बेन बैंडिंग के नाम से जानते हैं। और एफिड होता है जो ट्रांसमिट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, माइजस पर्स्की उसका बॉटनिकल नेम है, क्या नाम है, माइजस पर्स्की, राइट। नेक्स्ट आपका है डिजीज भिंडी एलो मोजैक। जो भिंडी में येलो मोजैक लगता है, पत्तियां डिस्कलर्ड हो जाती हैं, जगह जगह हल्का सा येलो स्पॉट दिखाई देने लगता है, डिस्कलर्ड हो जाती है भिंडी येलो मोजैक, व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, और वो व्हाइट फ्लाई कहते हैं बेमेसिया टाइप सी को, राइट। व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टाइप सी। नेक्स्ट आपका मोजैक निकोटियाना वायरस। मोजैक निकोटियाना वायरस जो है मोजैक
पे अधिकतर मुजर के नाम से जो भी बीमारी होगी सब वायरस के द्वारा होगा, उसमें अधिकतर निकोटियाना वायरस ही डिजीज को काज करता है, और वो जो ट्रांसमिशन होता है वो सैप टर्म के द्वारा, इक्विपमेंट्स के द्वारा एंड बाय कंटेक्ट, एग्रीकल्चर टूल्स जितने भी हैं उसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है। बाय कंटेक्ट, हम आप जा रहे हैं उनसे कंटेक्ट हुआ वायरस, फिर हम आप दूसरे प्लांट में चले गए वहाँ पर भी ट्रांसमिशन हो गया, या सैप के द्वारा जो हम स्प्रेयर्स को यूज करते हैं उसके द्वारा ही ट्रांसमिशन ये अधिकतर होता है। तो मुझे ट्रांसमिट बहुत तेज होता है सैप टर्म, इक्विपमेंट एंड बाय कंटेक्ट के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है काउपी मोज़ेक वायरस। जो काउपी मोज़ेक वायरस है, लोबिया पे जो एक फंगस, सॉरी लोबिया पे जो वायरस आता है काउपी मोज़ेक, एफिड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। एफिस कोस्टी उसका बॉटनिकल नेम, इसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है एफिड के द्वारा, उसका जो बॉटनिकल नेम क्या है एफिस कोस्टी, राइट। बात समझ आ रही है, आगे चलें। नेक्स्ट है येलो मूंगबीन वायरस। जो मूंगबीन है, उर्दबीन है, उसके ऊपर येलो मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन होता है, और वो ट्रांसमिशन जो होता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम रेमिथिया टाइप्सी कहते हैं, राइट। रेमिथिया टाइप्सी के द्वारा ही इन्फेक्शन, रेमिथिया टाइप्सी के द्वारा या व्हाइट फ्लाई के द्वारा ही येलोबोन मोज़ेक का ट्रांसमिट एक आसान से आसान पे होता रहता है। नेक्स्ट है स्टर्टी मोज़ेक वायरस। जो माइट के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। स्टर्टी मोज़ेक वायरस ट्रांसमिटेड बाई माइट एक्ट्रिया कैजनी के द्वारा, जिसका बॉटनिकल नेम है एक्ट्रिया कैजनी, जो माइट का बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट है कसावा मोज़ेक, कसावा डिजीज, जो कसावा प्लांट आप जानते हो, कसावा पे मोज़ेक जो पास करता है व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई का बॉटनिकल नेम है बिमेसिया टाइप्सी, और ये वायरस को ट्रांसमिशन एक आसान से आसान पे करता है, राइट। नेक्स्ट है क्लोरोसिस ऑफ बनाना। जो बनाना में डीजी लगती है, क्लोरोसिस लगती है, उसमें वो जिसमें वायरस जो होता है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस होता है, और एफिड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। किसके द्वारा होता है? एफिड के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। क्लोरोसिस ऑफ बनाना कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, और जो टाइप ऑफ वायरस कुकुम्बर मोज़ेक वायरस होगा, एफिड के द्वारा ट्रांसमिशन होगा। नेक्स्ट है बार्ली स्ट्रिप मोज़ेक वायरस। बार्ली स्ट्रिप मोज़ेक, बार्ली बार्ली मतलब जौ के ऊपर जो मोज़ेक लगता है, किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? लीफ हॉपर के द्वारा, लीफ हॉपर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, राइट। नेक्स्ट है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। जो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस है, टोमेटो में डिजीज काज करता है वायरस, और थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? थ्रिप्स, थ्रिप्स टाइप की इसका बॉटनिकल नेम है, जो थ्रिप्स के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट है टोबैको लीफ कर्ल वायरस। जो टोबैको तंबाकू पे लीफ कर्ल होता है, लीफ कर्ल पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस बाय वेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटेटिव पॉइंट पे पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है, बहुत सारे जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उसमें अधिकतर वायरस के बारे में पूछा जाता है, और इसमें हमने 14-15 वायरस का नाम लिखा है, 14-15 क्रॉप का नाम है, वो वायरस का नाम है, और एक वेक्टर का नाम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकतर किसी ने पूछता है माइट के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है वो एक ही है, कौन सा है माइट, जिसमें देखिए माइट के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, माइट है आपका स्कल्टी मोज़ेक वायरस, एक्रिया कैजनी माइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है माइट कि माइट के द्वारा कौन सा ट्रांसमिशन होता है। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, स्कल्टी मोज़ेक ऑफ वायरस ट्रांसमिटेड बाई माइट, या फिर By mites transmitted which virus? तो स्पर्टी मोज़ेक वायरस, राइट। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए आप मुझे आता है कि आपका ज्ञान उत्साहवर्धन भी हो रहा है, आप पढ़ भी रहे होंगे, आप इसको आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।